Hello dear students, I hope you have watched and understood the previous videos of the chapter Microorganisms, Friends and Foes. In this video, we are going to discuss about harmful microorganisms and few preservation methods. Although microorganisms are extremely useful to human health and our ecosystems, some of them are harmful too. हम अपने previous videos में देख चुके हैं कि how microorganisms are helpful to us. Like how they are friends. Now, in this video, we will discuss about harmful microorganisms. The microorganisms that cause disease are called germs or pathogens. बचपन से ही हमने बहुत सारी एड्स देखी हैं, उसमें बताते हैं जर्म्स को किल करना है, जर्म्स को मारेंगे. तो व्हाट आर जर्म्स? जर्म्स आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स. उन्हें पैथोजेंस भी कहा जाता है. द डिजीजेस कॉज्ड बाय द जर्म्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. These diseases can be passed from one person to another by the transfer of microorganisms through air, water, food and direct or indirect physical contact. जो डिजीज होते हैं वो एक इंसान से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसे हेल्दी पर्सन तक कैसे ट्रांसफर होता है? थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड और थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. There are certain insects which act as carriers of disease causing germs. Carriers की तरह कैसे काम करते हैं? वो infected person से उस germs को carry करते हैं और healthy person तक ले जाते हैं. Now look at the slide in which modes of infectious disease transmission is given. There are two categories: general transmission, in which abiotic environmental factors like wind and water through which the disease can be transmitted. And in category B, human to human transmission is shown. Now, airborne infection. Bacteria and viruses that infect the nasal passage, windpipe and lungs are present in the saliva and mucus. When an infected person coughs or sneezes, tiny droplets of moisture carrying disease causing germs spread in the surrounding air. बैक्टीरिया और वायरसेस जब एक इंसान को इन्फेक्ट करते हैं तो वो उसके नेजल पैसेज में, विंड पाइप में या लंग्स में जब मौजूद होते हैं तो व्हेन द पर्सन कफ और स्नीजेस, दैट इज अगर वो खांसता है या छींकता है, तो उस समय उसकी बॉडी से टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जो मॉइस्चर कैरी करते हैं और उसमें डिजीज कॉजिंग जर्म्स भी स्प्रेड होते हैं उसके थ्रू सराउंडिंग एयर में. एंड व्हेन अ हेल्दी पर्सन इनहेल्स दिस एयर, द डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंटर हिज बॉडी एन इन्फेक्ट हिम. और जब वो एयर, कोई हेल्दी पर्सन उसके पास होता है, वो जब इनहेल करता है इस एयर को, तो ये डिजीज उसकी बॉडी में भी चले जाते हैं और उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है. इट इज एडवाइजेबल दैट द इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन कवर्स हिज नोज एंड माउथ विद अ टिश्यू और अ हैंडकरचीफ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग. वाटरबॉर्न इन्फेक्शन. दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन आर स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर. दीज डिजीजेज आर मेनली फाउंड इन एरियाज विथ पुअर सैनिटरी कंडीशंस. जब वाटर होता है वो कंटामिनेट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तब इस वाटर के थ्रू ज्यादातर ये इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं. ड्रिंकिंग वाटर इज अ कॉमन कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. दे कैन हाउएवर ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर यूज फॉर वॉशिंग और वाटर यूज फॉर क्लीनिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड यूटेंसिल्स. नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर अगर कंटामिनेटेड है, प्रदूषित है, तो इसके साथ इसके द्वारा स्प्रेड होता है. बट साथ साथ में कभी कभी हम जब कपड़े, बर्तन या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स धोने के लिए पानी यूज करते हैं तो कभी कभी उसके थ्रू भी ये फैल सकते हैं. वाटर सोर्सेस लाइक स्प्रिंग्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, वेल्स एंड रेन वाटर दैट रन ऑफ इनटू टैंक्स एंड सिस्टर्न्स कैन ऑल बी कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. व्हाट इज फीकल मैटर? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं, उनकी बॉडी से जो सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है उसे फीकल मैटर कहते हैं. जब ये पानी स्प्रिंग्स, रिवर्स वगैरह को प्रदूषित करता है और यही पानी जब हमारे घरों में टंकियों तक पहुंचता है तो ऑब्वियसली वो हमें इन्फेक्ट कर सकता है. डेड एंड लीकिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन ऑल्सो कंटामिनेट द ड्रिंकिंग वाटर. मरे हुए जानवर या जो सड़ेड, तो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो भी ड्रिंकिंग वाटर को प्रदूषित कर सकते हैं. Diseases spread by insects and animals. There are many diseases that are not caused by insects and animals, but are spread by them. इसमें cause जो होता है वो insects या animals नहीं होते हैं, उनके through disease नहीं हो रहे हैं, but
वो उनके थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, उनके थ्रू फैल रहे हैं. दे एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मस्कीटोज, फ्लाइज, माइट्स, फ्लीज, टिक्स, रैट्स एंड डॉग्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कैरियर्स. मस्कीटोज, व्हेन मस्कीटोज सक द ब्लड ऑफ द होस्ट, द सलाइवा कंसिस्टिंग ऑफ जर्म्स कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द होस्ट एंड इन्फेक्ट देम. मस्कीटो जब हमारा ब्लड सक करते हैं तब क्या होता है कि उनका जो सलाइवा जिसमें अगर जर्म्स होते हैं तो वो हमारे कॉन्टेक्ट में भी आ जाते हैं और वो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं. मलेरिया, डेंगू एंड येलो फीवर आर द डिजीजेज कॉज्ड बाय मस्कीटोज. द फीमेल एनोफिलस मस्कीटो दैट स्प्रेड्स मलेरिया इज मेनली एक्टिव आफ्टर डार्क, बट द एडिस मस्कीटो दैट स्प्रेड्स डेंगू इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे. Now we'll discuss how house flies act as a carrier. House flies feed and multiply on garbage and human excreta. आपने कई बार देखा होगा जहाँ गंदगी होगी वहाँ चारों तरफ आपको मक्खियाँ भिनभिनाती हुई मिलेंगी, right? तो और दूसरा क्या होता है, ये जो गंदगी होती है, this garbage and human excreta are the most favorable place for pathogens. Pathogens are disease causing organisms. वहाँ सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं. When the house flies sit on the garbage and excreta, the germs present there stick to their feet and hair. And when these flies sit on the food, these germs get transferred to the food. पहले ये गंदगी पर बैठते हैं जहाँ pathogens होते हैं. Pathogens उनके hair पे या उनके feet पे चिपक जाते हैं. और जब यही मक्खियाँ हमारे food पे बैठती हैं, तो these germs get transferred to the food. Okay? And the food thus gets contaminated. These germs then multiply and spoil the food. Now when a healthy person eats this food, the germs enter his or her body and make the person sick. और इसी तरह से अगर ऐसा प्रदूषित खाना हम खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं. That is why it is said कि हमें हमेशा covered food खाना चाहिए. Now some common human diseases caused by microorganisms are enlisted in the given slide. Food poisoning. If the food is not stored properly, it gets spoiled due to action of enzyme present in it or due to growth of bacteria or fungi. कई बार क्या होता है, फूड हमने अच्छे से प्रॉपरली स्टोर नहीं किया, अच्छे से कुक नहीं हुआ है, तो वो खराब हो जाता है. क्यों? क्योंकि खाने के अंदर जो कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं उनकी एक्शन की वजह से या तो कई बार उसमें कुछ बैक्टीरिया या फंजाई ग्रो होने लगते हैं. नाउ फूड आइटम्स सच एज मीट, एग्स, मिल्क, रॉ फूड, unwashed vegetables or sometimes even cooked food may contain harmful microorganisms like bacteria and fungi. These microorganisms produce toxins that make the food poisonous. अब ये जो microorganisms होते हैं जब food में multiply होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, फिर वो क्या करते हैं, they produce toxins. वो toxin बनाते हैं और जिसकी वजह से जो food होता है, जो हमारा खाना होता है, वो विषैला या जहरीला बन जाता है, right? Now consuming such contaminated food may lead to a sickness called food poisoning. जब हम ऐसा प्रदूषित खाना, टॉक्सिन्स वाला खाना खाते हैं तो बीमारी होती है जिसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो जाता है. द स्पॉइल्ड फूड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स अनप्लेजेंट स्मेल, चेंज कलर एंड बैड टेस्ट. पता कैसे चलेगा कि फूड खराब हो गया है? उसकी स्मेल खराब हो जाती है, मतलब खराब स्मेल आने लगती है, कलर में चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है. वी शुड नेवर कंज्यूम सच फूड. नाउ माइल्ड फूड पॉइजनिंग लीड्स टू एन अपसेट स्टमक एंड डायरिया. अगर हल्की सी फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है और डायरिया होता है. बट अ सीवियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग मे ऑल्सो कॉज वॉमिटिंग अलॉन्ग विद डायरिया, लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग पीपल नीड टू प्रिपेयर, कुक एंड स्टोर फूड प्रॉपरली. अब अगर हमें फूड पॉइजनिंग से बचना है तो खाना प्रिपेयर करते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, अच्छे से कुक करना पड़ेगा और फूड को अच्छे से स्टोर भी करना पड़ेगा. कॉमन कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग, घर में हमें क्या क्या चीजें हैं जिसके हो सकता है, क्या क्या ध्यान रखना है और घर के बाहर क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, इट इज शोन इन द स्लाइड. फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस बाय विच spoilage of perishable foods is prevented by either killing or inhibiting the growth of microorganisms. Food preservation उस तकनीक का, उस प्रोसेस का नाम है जिसमें जो हमारा खाने लायक फूड होता है उसे प्रिवेंट किया जाता है खराब होने से. कैसे? या तो उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किल करके या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के.
There are a number of different ways of preserving food. Some involve storage methods, some involve packaging, and some involve treating the food in a particular way prior to or during storage. उसे अच्छे से store करना खाने को, तो हम खाने को spoil होने से बचा सकते हैं, या उसे properly pack करना, या कभी कभी उसे treat करना किसी particular तरीके से store करने से पहले या store करने के वक्त. Now let us learn about some of these methods of food preservation. Sun drying or dehydration. In this method, water content is removed from the raw vegetables and certain fruits by drying in the sun. जो fresh fruits या vegetables होते हैं जिन्हें आप preserve करना चाहते हो, तो उनमें से water content को, जो पानी का moisture का content होता है, उसे remove किया जाता है. कैसे? उसे direct sunlight में रखा जाता है. अब ऐसा करने से क्या होगा? As microorganisms do not grow in dry conditions, vegetables like cauliflower, fenugreek and mint and fruits like mango, apple and peach can be stored in airtight containers without them getting spoiled. इन्हें बचाया जा सकता है. क्यों? क्योंकि जिस तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल के लिए, हम भी बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, और उन्हें भी सर्वाइव होने के लिए, उन्हें भी ग्रो होने के लिए मॉइस्चर कंटेंट की बहुत जरूरत होती है. अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट पूरा खत्म हो गया है वेजिटेबल्स में से या फ्रूट्स में से, तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाएंगे. डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय स्मोकिंग फॉर फिश एंड मीट. उसे स्मोक किया जाता है अच्छे से, किसको? फिश को और मीट को, ताकि उसमें से सारा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट होता है, वो सारा निकल जाएगा. By cooling, refrigeration and deep freezing. The spoilage of foods such as vegetables, meat, fruits, boiled milk, curd and cooked food can be prevented by keeping them at low temperatures in refrigerator or deep freezers. Low temperature prevents the spoilage of food because अब इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद, डीप फ्रीजर में रखने के बाद क्यों वो खाना खराब नहीं होता है, तो उसके रीजंस होते हैं. जैसे कि अगर खाने को लो टेम्परेचर पर रखा जाता है तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया होता है उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है. ओके. दूसरा, इट इनएक्टिवेट्स द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम में जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें वो इनएक्टिवेट कर देता है. ओके. तो फूड हमारा स्पॉइल नहीं होता है. इन रेफ्रिजरेटर्स एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड फूड रिमेन्स अनस्पॉइल्ड. हम लोग गर्मी में, आपने देखा होगा, मम्मा जब भी अगर खाना बनाया है और कभी थोड़ा बच जाता है तो उसे तुरंत ही फ्रिज में रख देती है. ऐसा क्यों होता है? ताकि फूड खराब नहीं हो, दूसरे दिन आप उसे यूज कर सकते हैं. ठंड के दिनों में ऐसा कम होता है, राइट? जब बहुत अच्छी ठंड पड़ रही होती है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर खाना बच गया है तो हम उसे बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं. ओके. तो खाना उसमें खराब नहीं होता है. हाउएवर, इन अ फ्रीजर एट -17 डिग्री सेंटीग्रेड माइक्रोब्स मे बी किल्ड. अब फ्रीजर में जब रखा जाता है, वहां टेम्परेचर होता है -17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां क्या होगा, माइक्रोब्स होते हैं वो किल होकर हो जाते हैं, तो इसीलिए ऑब्वियसली खाना खराब नहीं होगा. फिश, मीट एंड कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व इन डीप फ्रीजर्स. पैश्चराइजेशन. A French scientist, Louis Pasteur, developed a method of food preservation. It is used mainly for milk. ये जो method है वो mainly milk के लिए use किया जाता है. By heating the milk at 70 degree centigrade to 72 degree centigrade for 15 seconds and then cooling it rapidly to 10 degree centigrade. अब इस method में क्या किया जाता है? पहले तो milk को heat किया जाता है 70 to 72 degree centigrade पर for 15 seconds और उसे तुरंत ही क्या किया जाता है, फटाफट उसे कूल किया जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर ले आया जाता है. तो ऐसा करने से ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड. सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया क्या होंगे, मर जाएंगे. दिस मिल्क इज देन फिल्ड इन बॉटल्स और पाउचेस. फिर उन्हें बॉटल्स या पाउचेस में भर दिया जाता है. नेक्स्ट इज शुगरिंग. शुगरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन मेथड. अब इसमें क्या कंसेप्ट होता है, बेसिकली शुगरिंग इज यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, एप्रिकोट्स एंड प्लम्स इन अ शुगरी सिरप. एक शुगर का सिरप होता है जिसमें इन फ्रूट्स को रख दिया जाता है. क्या होता है कि व्हेन यू कीप देम इन द शुगरी सिरप, तो शुगर डिहाइड्रेट्स द फूड आइटम्स. शुगर क्या करता है, फूड आइटम्स में से वाटर कंटेंट को हटा देता है, डिहाइड्रेट कर देता है,
और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए, ग्रो होने के लिए वाटर कंटेंट की बहुत ज़रूरत होती है, और अगर वाटर कंटेंट नहीं है तो माइक्रोब्स का ग्रोथ प्रिवेंट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. नाउ सॉल्टिंग. सॉल्ट इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव दैट ड्रॉज आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड एज वेल एज फ्रॉम द सेल्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. सॉल्ट जो है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, और आपको बताऊँ सबसे लंबी एक्सपायरी मतलब ये सालों तक खराब नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव. राइट नाउ दैट ड्रॉज आउट मॉइस्चर. अब इसका भी क्या कंसेप्ट होता है इसे यूज करने का, ये क्या करता है फूड में से भी मॉइस्चर कंटेंट को ड्रॉ आउट कर देता है, निकाल देता है, मतलब डिहाइड्रेट कर देता है. साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं, उनके सेल में वाटर कंटेंट होता है, उसको भी वो डिहाइड्रेट कर देता है ताकि वो ग्रो नहीं हो पाते हैं. लैक ऑफ मॉइस्चर किल्स दीज माइक्रोब्स एंड हेंस प्रिवेंट्स द फूड स्पॉइलेज. सॉल्ट इज कॉमनली यूज टू प्रिजर्व फिश, मीट एंड पिकल्स. अचार में भी डाला जाता है, और हमारे घरों में अचार जब बनता है तो एक साल तक मिनिमम उसे रख सकते हैं हम, एंड वी कैन यूज इट. नाउ केमिकल प्रिजर्वेशन मेथड. इफ यू लुक एट द इंग्रीडियंट लेबल्स ऑफ डिफरेंट प्रिजर्व फूड आइटम्स, आपने अगर अपने घर में स्क्वॉश लाए हो, कोई सॉस वगैरह लाए हो, टोमेटो सॉस है, केचप है, तो उसमें क्या होता है, आप अगर उसके इंग्रीडियंट देखेंगे तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स के केमिकल्स के नाम लिखे हुए होते हैं. तो क्या होते हैं ये, दे आर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट एंड साइट्रिक एसिड. All of these chemicals either inhibit the activity of bacteria or kill them. या तो ये bacteria की activity को stop कर देते हैं या फिर वो उन्हें kill कर देते हैं ताकि वो multiply नहीं हो पाए और हमारा food spoil नहीं हो. Sodium benzoate is used for preserving fruit juices and squashes. Potassium metabisulfite is used for preserving cut fruits, jams and jellies, etc. Now, diseases caused by microorganisms in animal. ऐसा नहीं है कि डिजीजेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स को होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन बींग को डिजीज कॉज करते हैं, बट देर आर सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स को और प्लांट्स को भी डिजीज करते हैं. नाउ एग्जांपल्स आर एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज इन शीप एंड कैटल. ओके द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू द मीट, वूल, हेयर एंड स्किन ऑन द ऑफ द अफेक्टेड एनिमल्स. Foot and mouth disease. This is a viral disease, that is, it is caused by virus in sheep, cattle, goats and fowl pox. Viral disease in chicken and turkey. Bird flu, viral disease in poultry. Distemper, viral disease in dogs and cats. So these are some common diseases caused by microorganisms in animals. Now another few examples are given here in which there are some common plant diseases caused by microorganisms are given. Citrus canker, it is caused by bacteria and mode of transmission is air. Rust of wheat, it is caused by fungi and the mode of transmission is through air and seeds. And yellow vein of mosaic of bhindi, that is caused by virus and it is again spread by insect. Thank you. Happy learning.